हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून गाइस आर वी लाइव नाउ क्या हम लोग अभी लाइव हैं गुड आफ्टरनून उमा गुड आफ्टरनून ऑप्टिमिस्टिक गुड मॉर्निंग बानिता आज लाइन सो फाइनली 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 ये सेशन जो है काफी टाइम से हमारा स्केड्यूल हो हो के रीस्केड्यूल हो रहा था एंड फाइनली इट इज लाइव नाउ तो सबसे पहले तो आप सभी लोग कैसे हैं आप सभी लोग काफी दिन बाद ऐसा लग रहा है कि मैं क्लास ले रही हूँ पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सच में मैं क्लासेस लेती हूँ मैं पढ़ाती भी हूँ ऐसा भी कुछ है जिन्हें नहीं बताया उनको बता दो देखो गाइज दो तीन दिन के लिए मैं आ, वाई टी सेशन नहीं ले रही थी एंड द रीजन वॉज कि मैं एस बी आई पी ओ के मॉक इंटरव्यूज ले रही थी ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज तो उसमें मैं सुबह निकल जाती थी नियर अबाउट यू नो Uh, आठ बजे घर से निकलना होता था और रात में वही साढ़े आठ बजे जाके मैं एंटर करती थी घर पर तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और थ्रू आउट द टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता था मतलब बैक टू बैक इंटरव्यूज़ रहते थे और बीच में थोड़ा बहुत यू you नो know, लंच वगैरह किया उसी में सारा टाइम निकल जाता था सो आई एम फीलिंग रियली गुड कि आप लोगों के कॉमेंट्स यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लग रहा है हेलो विवेक अभिषेक सुषमा गुड आफ्टरनून रोहित वैशाल प्रिया श्रवंती प्रिया एंड अंशु बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऑफलाइन मॉक्स में भी मिले जो मेरे क्लासेस भी देखते हैं आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दो मैंने ज़्यादा बात नहीं की किसी से क्योंकि देखो एक होता है ना कि अगर मैंने पहले उनसे बात कर ली तो मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा बेस्ड हो जाएगा या बाइसड हो जाएगा या वो वाली ऑथेंटिसिटी वाली बात नहीं रहेगी इसलिए मैंने सोचा बाद में करती हूँ अब जिसका इंटरव्यू हो रहा था वो सारे घर चले जा रहे थे तो लास्ट में ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन नहीं हुआ बट कुछ जो बचे हुए थे उनसे थोड़ा बहुत

डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कुछ पूछना हो तो बताओ अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका लास्ट क्लास का होमवर्क अच्छा किस किस ने आंसर यहाँ पर किया था यस yes, मैम आपका क्लास देखते रहने से रिवीजन होता रहता है थैंक यू अभिषेक ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि आप क्लासेस देखते हो दैट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं देखोगे तो रिविजन कैसे ही हो पाएगा बाकी मैं अब बहुत ही बड़े लेवल पर मतलब बहुत ही एग्रेसिवली अब मैं आपकी क्लासेज जो हैं वो स्केड्यूल करने वाली हूँ क्योंकि अब मेरा मोटिव यहाँ पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एस बी आई क्लर्क मेन्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करें एस बी आई का रिज़ल्ट भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे तो फेबररी मिड तक आपका रिजल्ट आएगा देखो रिजल्ट आएगा दस पंद्रह दिन का हार्डली आपको दस पंद्रह दिन का टाइम मिलेगा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सो so, अगर आप थोड़े बहुत भी कॉन्फिडेंट हो जो कि होना चाहिए आपको नहीं भी हो कॉन्फिडेंट प्लीज तैयारी करो एटलीस्ट वेट फॉर द रिजल्ट अभी आपका पंद्रह फ़रवरी फेबररी तक अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो ऐसा कुछ जमीन आसमान ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा तो पढ़ लेना ठीक है कहने का मतलब ये है फर्स्ट टाइम वॉचिंग योर क्लास लाइव थैंक यू यूजर नेम थैंक यू चलो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा देखो अभी गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 58 ऐसे एयरपोर्ट्स जो हमारे देश के अंदर हैं जिनको कृषि उड़ान स्कीम के अंदर क्या किया गया है कवर किया गया तो क्वेश्चन ये था कि उड़ान स्कीम जो कृषि उड़ान स्कीम जो है ये कब लॉन्च की गई अब आपको पता होगा कि ऐसी एक आपकी उड़ान स्कीम भी है उड़ान स्कीम किससे रिलेटेड है फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में बताओ और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उड़ान स्कीम सबसे पहली बार लॉन्च कब की गई अब गौर से सुनिएगा मैंने ये कहा है कि उड़ान स्कीम को कब लॉन्च किया गया है ना कि ये कि पहली फ्लाइट उड़ान स्कीम के तहत कब यहाँ पर लॉन्च हुई दोनों में डिफरेंस है ठीक है उड़े देश का आम नागरिक बिल्कुल ठीक है अब आ, काफी सारे स्टूडेंट आशा करें मैम एविएशन एयरपोर्ट रिलेटेड है अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि ये कह सकते हो आप कि एयरप्लेन के थ्रू है ना एरोप्लेन एयरप्लेन के थ्रू यहाँ पर क्या दी जा रही है कनेक्टिविटी दी जा रही है और कैसी कनेक्टिविटी दी जा रही है रीजनल ऐसा नहीं इंटरनेशनल लेवल पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इसीलिए इसको कहा जाता है आरसीएस उड़ानी से कहा जाता है विच मींस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक जहां पर अफोर्डेबल रेट्स में आपके रीजनल एरिया जो हैं उनमें भी बाय एयर ट्रैवलिंग की आपको फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड की जाए अब आपसे क्वेश्चन है कि उड़ान स्कीम का अभी कौन सा फेज चल रहा है रीसेंट कौन सा फेज या वर्जन चल रहा है दूसरी चीज आप लोगों से मेरी ये है कि ऐसे ही उड़ान 5.1 हमने देखा ये वर्जन या ये फेज जो है ये किसके लिए चलाया गया क्योंकि यूजुअली तो हम कह रहे हैं ना कि एरोप्लेन के थ्रू मैम या ये क्या कर रहे हैं जगह जगह पर कनेक्टिविटी दे रहे हैं कि लोग अब यहाँ पर एयर ट्रैवल भी कर सकते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे किसी आस की जगह पर जाना है ठीक है सपोज करिए जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर मुझे लखनऊ से जाना है कानपुर तक है ना या फिर मुझे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो यूजुअली पहले क्या होता था आप ट्रेन से जाइए आप बस से जाइए बट एयर ट्रैवल बड़े बड़े ही सिटीज के अंदर देखने को मिलता था बट अब ये कह रहे हैं कि छोटे शहर जो है वहां तक भी इसकी कनेक्टिविटी देना चाहते हैं लेकिन जो फाइव फेज है अब ये बात हो गई कि मैम हेलीकॉप्टर्स यानी कि यहाँ पर कनेक्टिविटी कैसी दी जा रही है हेलीकॉप्टर्स के थ्रू दी जा रही है स्पेशली जो आपके हिली एरियाज होते हैं वहां आपने देखा है ना कि वहां पर हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ज्यादा एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है ट्रैवलिंग जो है वो प्रोवाइड किया जाता है अब मैंने क्वेश्चन पूछा था उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुआ 2016 में लॉन्च हुआ था ये और जिसके अंदर इसको 2017 में पहली उड़ान भरी थी इसने कहाँ से कहाँ तक नई दिल्ली से सॉरी न्यू दिल्ली से लेके कहाँ तक शिमला के जुबरहटी एयरपोर्ट तक ठीक है क्लियर है सबको अब यहाँ पर मैंने कहा कि कृषि उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुआ 2020 में लॉन्च हुआ और अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि 58 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर इसको कवर किया गया है अब इसका काम क्या है इसको 2020 में लॉन्च किया गया था नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही रूट पर फार्मर्स की हेल्प के लिए ताकि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा सके जिससे यहाँ पर इनको जो वैल्यू मिलता है वो बेटर मिल सके यहाँ पर अब इन्होंने बोला कि जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है बीके सिंह उन्होंने ये जवाब दिया था राज्यसभा के अंदर और इन्होंने ये बताया था ऐसे ही कृषि उड़ान स्कीम 2.0 चलाया गया सबसे पहला वर्जन 2020 में और टू यानी कि सेकंड वर्जन चलाया गया 2021 के अंदर जहां पर ये फोकस कर रहे थे ट्रांसपोर्टिंग पैरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हिल एरियाज़ यानी कि जो आपके हिली एरियाज़ होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ से पेरिशेबल होते हैं जो ऐसे फूड प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं है ना बहुत जल्दी सड़ जाते हैं गल जाते हैं या बहुत जल्दी ख़राब होने की उनकी संभावना ज़्यादा होती है तो हिली एरियाज़ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और ट्राइबल एरियाज में ऐसे फूड प्रोडक्ट को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कृषि उड़ान स्कीम 2.0 शुरू किया गया 2021 के अंदर अभी इस स्कीम के अंदर टोटल 25 एयरपोर्ट्स जो आपके नॉर्थ ईस्ट हिली ट्राइबल रीजन को कवर करते हैं और बाकी बचे हुए थर्टी एयरपोर्ट्स जो हैं अदर रीजन से हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो हैज बीन ऑनर्ड विद द विजनरी लीडर अवार्ड 2023 ट्वेंटी थ्री बाय द एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं आसरा आंसर क्या होगा यहाँ पर फटाफट से बताओ सभी लोग और गाइस इसको शेयर करते रहो आप लोगों को, को पता है ना कि अभी हमारा ट्वेल्व से लेके ट्वेल्व तक चैलेंज शुरू हो रहा है वो कंप्लीट करना है भूल ना जाना पुराना वादा है वेरी नाइस nice. क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम श्रीनिवास नायक धारावत श्रीनिवास नायक धारावत जो है इनको विजनरी लीडर आई अवार्ड दिया गया है अब इसको याद कैसे रखेंगे यहाँ पर कि जो नायक होता है नायक क्या होता है लीडर होता है है ना मैम तो इसके इनके जो नाम के अंदर नायक है वही बता रहा है कि ये क्या हैं ये एक विजनरी लीडर है तो इनको क्या मिला है नायक जी को मिला है विजनरी लीडर आई केन एंड श्री निवास है ना श्री के उधर निवास करते हैं नायक जी जिनको मिला है विजनरी लीडर आई कैन अवॉर्ड जो दिया है किसने आसरा किसका आसरा एडवोकेट एसोसिएशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस के आसरा के लिए इन्होंने आसरा एसोसिएशन लॉन्च किया है जो एडवोकेट्स का एसोसिएशन है और फिफ्थ नेशनल कन्वेंशन न्यू दिल्ली में चल रहा था जहां पर यह दिया गया मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड जो है अब आपको बता पता ही है यहाँ पर कि दिवाली पर ऐसे जगमग हो जाता है ऐसे चमकता है हमारा जो देश है जैसे कि मून हो है ना तो बैन की मून को मिला है दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड यहाँ पर दिवाली के अंदर यह पावर है कि सब एक हो जाते हैं ऐसे याद रख सकते हो फिर है आपका इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज जेंडर इक्वालिटी प्राइज दिया फिनलैंड ने किसने दिया फिनलैंड ने क्यों दिया फिनलैंड ने क्योंकि फिनलैंड को लगा कि सब कुछ फाइन तभी होगा जब जेंडर इक्वल होंगे तो एक चीज़ ये हो गई कि देखो इंटरनेशनल लेवल का जो जेंडर इक्वालिटी अवार्ड देता है वो देता है फिनलैंड क्योंकि उसको लगता है कि जेंडर इक्वालिटी होगी तभी सब कुछ फाइन होगा दूसरी चीज़ उसने किसको दिया सबको पता है कि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रहा है वो बहुत ही खराब है सब कुछ फाइन तो नहीं है उधर है ना औरतों को घर में रखा जा रहा है तो उस हिसाब से वहां पर सबसे ज़्यादा जेंडर इनक्वालिटी है लेकिन अफगानिस्तान के एनजीओ को इसलिए दिया है क्योंकि वो इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं वो ये सिचुएशन फाइन करना चाहते हैं तो फिनलैंड ने इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड दिया है अफगानिस्तान के एन को अफगानिस्तान वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा इनक्वालिटी है नेक्स्ट है आपका पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता अलोरा फिल्म फेस्टिवल जावेद अख्तर जो हैं है ना तो वो यहाँ पर अक्सर पानी मांगते रहते हैं गला सूख जाता है उनका है ना राइटिंग करते हैं पोइट्री करते हैं तो उनका गला सूख जाता है तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजंता अलोरा फिल्म फेस्टिवल तो यहाँ पर वेटरन है है ना आ, राइटर रह है चुके हैं जावेद अख्तर फरान अख्तर के पापा नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियन बाय यू गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल का एंटी करप्शन चैम्पियन बोला है अब यू गवर्नमेंट ने बोला कि निखिल दे है ना निखिल दे अब यहाँ पर ज्यादातर हम देखते हैं कि करप्शन में लोग लेते हैं पैसा लेते हैं लेकिन निखिल के नाम में ही दे है यानी कि निखिल पैसा देते हैं तो एंटी करप्ट बंदे पैसा लेते ही नहीं है नाम में लेने का कुछ है ही नहीं देने का है तो निखिल डे से आप याद रखेंगे इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय यूएस गवर्नमेंट नेक्स्ट यहां पर आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट ट्वेंटी लीड्स थ्री ट्वेंटी रिपोर्ट इन अचीवर्स कैटेगरी ऑफ लैंड लॉकड्रुप तो ये जो क्वेश्चन है ये आरबी असिस्टेंट के मेन्स में इस बार पूछा गया था लेट्स सी कितने लोग इसको आंसर कर सकते हैं वो भी एकदम करेक्ट कर्तव्य लेवल शीतल मैम इज आसिफेंग कुछ भी मैम योर ऑल क्लासेस आर इनफ मेज बिल्कुल बिल्कुल सिमरन इनफ रहेंगे पढ़ तो लो मैं तो कह रही तुम ये भी पूरे नहीं पढ़ पाओगे जो मेरी क्लासेस हैं वही नहीं कर पाओगे मैं जानती हूँ ना स्टूडेंट लाइफ मेरे को भी पता है जैसे सास भी कभी बहू रही थी ऐसे ही टीचर भी कभी स्टूडेंट रहा था तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है नहीं घुमा सकते आप तो यहाँ पर हरियाणा जो है उसने लीड किया अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो लीड्स है इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है लीड्स का मतलब क्या है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट अब लॉजिस्टिक्स क्या होता है आप में से कोई जानता है वट इज़ लॉजिस्टिक मैम सामान एक जगह से दूसरी जगह पूरा पहुंचाने का उसका पूरा जो ब्यौरा है वो रखने का काम होता है लॉजिस्टिक्स का है ना लॉजिस्टिक्स ये ये एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाया जा रहा है अलग अलग माध्यम से अब ये डिफरेंट स्टेट्स के अंदर किस तरीके से जो सामान है है ना जो गुड्स हैं वो ट्रैवल हो रहे हैं उसका ईज कितना है तो ये बताता है लीड्स उस रिपोर्ट के अंदर कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर भी यही हैं कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर भी यही हैं और टेक्सटाइल मतलब इनको कपड़ा उद्योग दे दिया पूरा का पूरा कपड़ा क्षेत्र दे दिया टेक्सटाइल इनको दे दिया संभालने को इनको फूड और कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये इनको पकड़ा दिया और साथ में कॉमर्स और इंडस्ट्री भी दे दिया उद्योगों को तुम ही देखो भैया तो ये कौन है पीयूष गोयल है इन्होंने लीड्स रिपोर्ट जो है वो इधर रिलीज की न्यू डेली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लीड्स का इस बार कौन सा एडिशन था पांचवी बार निकाली जा रही थी मैम फिफ्थ एडिशन था ऐसा नहीं है कि पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया मई से लेकर जुलाई 2023 के बीच का यहां पर इन्होंने पैन इंडिया लेवल पर पूरे इंडिया के लेवल पर एक प्राइमरी सर्वे यहां पर कंडक्ट किया था जिसमें इन्होंने थर्टी स्टेट्स और यूटीज जो है हमारे इधर है ना उन सभी को कवर करते हुए सेवन थाउजेंड निकाले बट क्या ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मैं बताती हूँ क्या आएगा आएगा इस टाइप से इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बांटी जैसे कि एक कोस्टल ग्रुप कैटेगरी बांटी कोस्ट कोस्टल ग्रुप में उन स्टेट्स या यूटीस को रखा गया, uh, sorry, उन स्टेट्स स्टेट्स या को को रखा रखा गया गया सॉरी बेसिकली क्योंकि कोस्टल ग्रुप स्टेट्स थी बेसिकली तो यहां पर उन स्टेट्स को रखा गया जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से uh, किसी एक बड़े यू you नो know, समुद्र या उसके आसपास पानी के ऐसे चैनल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं यानी कि

आंध्र प्रदेश सबसे आगे फिर थे मैम अचीवर्स से नीचे फास्ट मूवर्स ऐसे समझ लो कि ये फर्स्ट पोजीशन वाले ये सेकंड पोजीशन वाले ये थर्ड पोजीशन वाले इस तरीके से समझ लेना वैसे तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये हैं अचीवर्स के अंदर फास्ट मूवर्स वो हैं जो जल्दी से बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं और अचीवर चैंपियन बन सकते हैं जैसे कि केरला और महाराष्ट्र ये तो मैम हमको लगता है ये कि केरला और महाराष्ट्र में अच्छा खासा लॉजिस्टिक्स तो होगा लॉजिस्टिक्स की आसानी तो होगी इसमें महाराष्ट्र से आगे केरला है ये जान के हमें हमें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कोई बात नहीं एस्पायरस कौन है जिनको अभी और उभरने की जरूरत है जो उभर रहे हैं लेकिन थोड़े कम लेवल पर उभर रहे हैं दैट इज गोवा उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल यहां तक क्लियर है दूसरी बात करते हैं हम यहां पर यूनियन यानी कि यूटी की यूटी के अंदर बात करते हैं तो मैम यूटीज क्या होते हैं यूटीज होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ठीक है थीके? सेंटर जिनके ऊपर गवर्नेंस करती है अब इसमें मैम अचीवर की बात करें तो क्या बात कर रहे हो आप चंडीगढ़ और दिल्ली दिल्ली से आगे चंडीगढ़ वाह कमाल हो गया अचीवर्स में कौन था यहाँ पर चंडीगढ़ और दिल्ली ये अचीवर्स थे दोनों ही चैंपियन थे है ना ऐसा नहीं कहेंगे कोई आगे या कोई पीछे दोनों ही चैंपियंस यहाँ पर है फिर आते हैं फास्ट मूवर्स जो इनके नीचे थे यानी कि इनसे कम अच्छा परफॉर्मेंस था जिनका लेकिन फिर भी वो काफी जल्दी मूव कर रहे हैं जैसे कि अंडमान एंड निकोबार मैम ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है टूरिज्म अच्छा है तो वहां पर लॉजिस्टिक भी अच्छा उन्होंने किया होगा कोशिश तो कर रहे हैं लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी ये जानकर बड़ी यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि लक्षद्वीप में जहां हम देख रहे हैं कि अभी इतना ज्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है लेकिन लॉजिस्टिक्स में ये फिर भी यहाँ पर फास्ट मूवर्स की कैटेगरी में आते हैं फिर बात करते हैं इधर एस्पायर एस्पायरस में से मैम अभी जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की तो नए नए यूटी बने हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो एस्पायर में ही होंगे है ना अभी तो इनको काफी कुछ अचीव

फास्ट मूवर्स की बात करें तो मैम लगा नहीं था कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड चैंपियन नहीं है बट ये फास्ट मूवर्स हैं जल्दी चैंपियन बन सकते हैं एस्पायरर्स की बात करें तो मणिपुर मेघालय मिजोरम ये कहीं कही ना कहीं लैग कर रहे हैं तीनों एम नाम वाले हैं और कहीं कही ना कहीं ये लैग कर रहे हैं इनको अभी इंप्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है लैंडलॉक ग्रुप की बात करें क्वेश्चन में लैंडलॉक ग्रुप ही पूछा गया था इसमें अचीवर कौन है मैम हरियाणा हरियाणा इसमें टॉपर है देन आपका पंजाब तेलंगाना और यूपी ये सारे के सारे चैंपियंस हैं लेकिन सबसे आगे वाले चैंपियन की दौड़ में सबसे आगे कौन मार हरियाणा हरियाणा पंजाब तेलंगाना और यूपी ये ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंडलॉक्ड है किसी भी तरीके से किसी भी पानी वाली जगह से इनका कोई बाउंड्री शेयरिंग है ही नहीं फास्ट मूवर्स की बात करें तो जल्दी ही उभरते हुए आ रहे अब मैम एम की बात करो राजस्थान और उत्तराखंड की बात करो तो ये इनसे कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है लॉजिस्टिक्स यहाँ पर भी अच्छा इंप्रूव हो रहा है एस्पायरस जहाँ पर अभी काफ़ी और यू नो नीड्स चाहिए उसको इंप्रूव करने के लिए लॉजिस्टिक्स को जैसे बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश और झारखंड इनको अभी और इंप्रूव करना पड़ेगा तो ये किसम है एस्पायरस की कैटेगरी में नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर हाउ मच रुपीज़ टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन इंडिया गाइज <coughs> uh, अभी काफी कम चल रहा है यहां पर लाइव कॉन जल्दी से इसको शेयर करो बोलो बाकी लोगों को भी अटेंड करने को हंड्रेड से अभी काफी नीचे चल रहे हैं हम लोग ओके okay, क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम टू फिफ्टी मिलियन यूएस डॉलर इंडिया और एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ने मिलकर ढाई सौ मिलियन यूएस डॉलर का पॉलिसी बेस्ड लोन जो है वो यहाँ पर क्या किया है साइन किया है अब मैम हद हो गई है कि एडीबी इतना लोन दे रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ए को फिर खुद किसी दिन किसी से लोन मांगने की जरूरत पड़ जाए ये इसको देख देख के डर लग रहा है कि कहीं इसका खुद का दिवालिया ना निकल जाए ए जो है उसने अभी क्या किया है मैंने आपको ट्रिक के थ्रू भी बताया था वापस से बता देती हूं देखो जैसे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और एक और मैंने तुमको बताया था रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम याद आया रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसके तहत यहाँ पर जो आपकी एक्सप्रेस वेज वगैरह बनाए जा रहे हैं एंड प्लस यहाँ पर आपकी बुलेट ट्रेन वगैरह भी इसमें चलाई जाएगी लेकिन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है बेसिकली एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं जहाँ पर जो ट्रैवलिंग टाइम है वो रिड्यूस किया जा रहा है तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितना दिया है और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आर के लिए कितना दिया है एडी ने इंडिया को लोन तो दोनों में आंसर सेम होगा यानी कि 250 मिलियन यूएस डॉलर ढाई सौ मिलियन यूएस डॉलर अब कुछ बोनस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एडीबी एडीबी ने जो भी लोन दिया है और मैं साइड में लिख रही हूँ नाम उन स्टेट्स के आपको बताना है कि उनको कितना मिलियन यूएस डॉलर का फंडिंग दिया है एडीबी ने सबसे पहला आपका क्वेश्चन है राजस्थान को कितना दिया है प्लस साथ साथ ये भी लिख देना किस रीजन के लिए दिया है किस चीज के इंप्रूवमेंट के लिए दिया है सबसे पहला मैंने लिखा है राजस्थान उसके बाद में दूसरा मैंने लिखा है इधर उत्तराखंड ठीक है थर्ड वन इज महाराष्ट्र फटाफट फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करते रहो ठीक है महाराष्ट्र हो गया महाराष्ट्र के बाद में मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश उसके अलावा आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली त्रिपुरा जो है सॉरी कोची केरला जो है उसको कितना मिला है इधर एम जो है उसको कितना मिला है असम जो है उसको कितना दिया गया है सभी के फटाफट -फड़ से आंसर करो यही रिवीजन हो जाएगा सारा अलग से रिविजन करने की ज़रूरत नहीं है और प्लस यहाँ पर मेघालय का भी बता दो तो फटाफट फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे जैसे कि सबसे पहला जो है आपका राजस्थान राजस्थान को मिला 200 मिलियन यूएस डॉलर लोन किसके लिए अर्बन सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए दूसरा फिर से मिला 200 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उत्तराखंड को किस चीज़ के लिए पावर सप्लाई यहां पर एनहांस करने के लिए बिजली जो है वो यहां पर प्रोवाइड करने के लिए और बढ़ाने के लिए फिर महाराष्ट्र जो है इसको तो मैम सबसे ज्यादा मिला 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन मिला रीजन क्या था रीजन की ये चाहते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि हेल्थ केयर जो टर्शरी हेल्थ केयर फॉर ऑल है कब तक अचीव करना चाहती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट बताना फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर तो इसको हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल यू नो सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए दिया गया हिमाचल प्रदेश में वन मिलियन यूएस डॉलर दिया गया स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर बागवानी जो है उसको प्रमोट करने के लिए कोची केरला को मिला है

एंड राइटिंग यहाँ पर दो कितना मिला है असम को देखो असम को मिला है जो मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहती हूँ दैट असम हैज बिन गिवन हाउ मच यू एस डॉलर लोन फॉर फ्लड मैनेजमेंट एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर मैनेजमेंट फ्लड मैनेजमेंट एंड सॉइल इरोशन प्रोग्राम के तहत दोनों केसेस में आंसर अलग होगा अगर आपसे कहता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जिसका 650 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है इन असम तो वहां पर चांसेस हैं कि जब कोई नदी होती है तो आपको पता होता है कि वहां पर बाढ़ आने के चांसेस होते हैं और ये आपका जो न्यूज है ये अक्टूबर 2023 का न्यूज है जिसमें टू मिलियन यूएस डॉलर दिए गए इसको किसके लिए फ्लड मैनेजमेंट और सोयल इरोजन मैनेजमेंट के लिए ठीक है है ना और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये थ्री हंड्रेड मिलियन जो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को आंसर कर रहे थे कि मैम ये थ्री हंड्रेड मिलियन होगा वो किस परपज से दिया गया था है ना ये तो फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन मैनेजमेंट के लिए दिया गया इरोजन का जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिए दिया गया मेघालय को दिए गए फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन यूएस डॉलर किस चीज़ के लिए मैम अक्सर देखा जाता है कि जो माँ होती है जो बिल्कुल एकदम न्यू मॉम्स होती हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके बाद में उनको काफ़ी यहाँ पर मेंटल uh, हेल्थ जो है वो काफ़ी डेटोरिएट होता है क्योंकि उनका फिजिकल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाता है बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं जिसका एक टोल उनकी मेंटल हेल्थ पर भी होता है तो मेटरनल मेंटल हेल्थ को देखने के लिए और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए बेसिकली फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन यूएस डॉलर दिए गए हैं मेघालय गवर्नमेंट को यहां पर आपको याद रखना है हाउ थ्री हंड्रेड मिलियन यूएस डॉलर लोन गिवन टू असम फॉर विच पर्पज बाई एडीबी हाईवेज बनाने के लिए रोड्स बनाने के लिए बेसिकली ठीक है तो थ्री हंड्रेड मिलियन अगर आपसे बोल रहा है फॉर असम awesome, तो आंसर क्या होगा और ये बहुत पुरानी न्यूज है अभी की न्यूज नहीं है पिछले साल की न्यूज है एक साल पहले की जनवरी 2023 में ऐसा हुआ था कि 300 मिलियन यूएस डॉलर हमको दिए गए थे किसके लिए स्टेट हाईवे करने के लिए अभी चांसेस हैं किसके इसके पूछे जाने के चांसेज है अक्टूबर ट्वेंटी वाले के अब यहां पर एक चीज और देख लेना कि जैसे इंडिया और एडी है उसने वन एटी मिलियन यू डॉलर का लोन दिया है अहमदाबाद के पैरी अर्बन एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए और ये चीज बड़ी कि एडीबी ने ना एक कंपनी है फोर्थ पार्टनर एनर्जी नाम की उसके साथ में मिलके सोलर पावर प्लांट वो भी 120 करोड़ का तमिलनाडु के अंदर यहां पर बना रहे हैं फोर्थ पार्टनर एनर्जी एडीबी तमिलनाडु 120 करोड़ का क्या है सोलर पावर प्लांट है ठीक है नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन ऑफ नो बडी फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड अंडर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन इनोवेशन मूविंग इमेजेस एट द ट्वेंटी नाइन कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आई डबल एफ कल को पूछता है वॉट इज के आई डबल एफ तो आपको तो आइडिया है ही नहीं ये पूछता है के आई जो है ये यहाँ पर कौन सी जगह पर हेल्ड हुआ कौन सी जगह पर इसको किया गया तो आपको तो यही नहीं पता के आई डबल एफ है क्या के आई डबल एफ है मैम कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्वेंटी इस था और चिल्ड्रन ऑफ नोबडी जो है ये इसराइल की मूवी है जिसको सबसे बेहतरीन मूवी यानी कि फिल्म का अवार्ड दिया गया है कहाँ पर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हो रहा था इन इनोवेशन मूविंग इमेजेस वो भी कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान अब इसके अंदर टोटल आपकी 219 फिल्म्स फ्रॉम 39 कंट्रीज स्क्रीन की गई थी कहां पर कोलकाता के अंदर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको मिला कार्लोस डैनियल मलावे को मिला और अंजना दत्त की जो चलचित्रों एक होन जो है इसको मिला है स्पेशल जूरी अवार्ड इसके अलावा जो शर्मिष्ठा मैती और राजदीप पॉल की मोन पोतोंगो थी उसको मिला बेस्ट फिल्म लेकिन बेंगोली पैनोरोमा कैटेगरी के, के अंदर नाम क्या था मोन पोतोंगो ठीक है किसकी थी शर्मिष्ठा और राजदीप की ये मूवी थी ये दो डायरेक्टर्स थे बेसिकली इसमें बेस्ट फिल्म रॉयल बंगाल टाइगर ट्रॉफी उसको मिलता है ठीक है रॉयल बंगाल टाइगर ट्रॉफी बेस्ट फिल्म को मिलता है फॉर फिफ्टी वन लाख रुपीज वर गिवन एज एन अवॉर्ड मतलब फिफ्टी वन लाख रुपीज इस अवार्ड में कैश प्राइज के थ्रू दिए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज हीरा मेमोरियल ट्रॉफी नेट award अवार्ड वर given the best बेस्ट शॉर्ट फिल्म एंड were वर awarded अवार्डेड विथ रॉयल tiger टाइगर ट्रॉफी शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में भी आपकी रॉयल बंगाल टाइगर कैटेगरी दी जाती है यहाँ पर ट्रॉफी दी जाती है फॉर बेस्ट फिल्म नेक्स्ट ये आपका विद स्टेट हैजॉप द मेडल टेलीन खेलो इंडिया पैरा गेम्स ट्वेंटी दिस इज इंपॉर्टेंट आंसर क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट एडिशन हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले तो खेलो इंडिया गेम्स चलते थे बट पैरा गेम्स चले फॉर पैराथलीट्स ये पहली बार हुआ कि हमारे देश के अंदर खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं वो न्यू दिल्ली में यहां पर शुरू किए गए अब यहां पर हरियाणा ने सबसे ज्यादा यहां पर मेडल्स अन करके टॉप स्पॉट जीता है हरियाणा यहां पर फर्स्ट नंबर पे रहा विद 105 टोटल मेडल्स 105 मेडल्स जीते हैं हरियाणा स्टेट ने जिसमें 40 गोल्ड 39 सिल्वर और 26 सिक्स ब्रॉन्स है यानी कि 40 गोल्ड है बस एक ही कम है फोर्टी से यानी कि थर्टी सिल्वर तो ऑलमोस्ट इनका जो यू नो क्वान्टिटी है सेम ही है गोल्ड और सिल्वर का और ट्वेंटी सिक्स है सेकेंड नंबर पर रहा यूपी तो हरियाणा

<laughs> देखो मेरा प्रोनासीशन बहुत ख़राब है बंगाली में हो चाहे साउथ इंडियन प्रोनासीशन हो चाहे इंग्लिश प्रोनासीशन हो मेरा प्रोनासीशन का है कुछ प्रॉब्लम और मुझे लगता है कि ये शायद मुझे बाय बर्थ ये एक डिफेक्ट है कि मैं प्रोनासीशन में बहुत अच्छी नहीं हूँ बहुत अच्छी छोड़ो अच्छी भी नहीं हूँ मैम ये स्पीड ठीक है डिटेल ठीक है अभी ठीक है चलो फिर मैं तुम तुम्हारे परफॉर्मेंस को ठीक कब कहूँ यार थोड़ा सा इसको शेयर करो बाकी लोगों को बोलो जो अभी तक क्लास में नहीं आए कि क्लास में आ जाएंगे मुझे आज लग रहा है कि मैं चैलेंज हार के जाऊँगी मैं नहीं चाहती कि हम अभी तक हर बार हम हंड्रेड प्लस गए हैं तो मैं नहीं चाहती कि इसके अंदर मैं हम लोग रह जाएँ अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि ये सुपर मॉक जो हैं इनको और एक्सटेंड करूँ जैसे टोटल फाइव सुपर मॉक है ना तो आपको 10 सुपर मॉक्स चाहिए या कुछ और चाहते हो कि मैम कुछ और टाइप की क्लासेस आप कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि मैम ये रिवाइज करा दो ये हमसे हो नहीं पा रहा है उतने अच्छे से तो कोई ऐसी चीज़ है तो वो मुझे बताओ या फिर अगर आप चाहते हो ऐसा चाहते हो कि बैंकिंग बैंकिंग सी ए सुपर मॉक्स चला दूँ मैं बैंकिंग सी ए सी ए मतलब बैंकिंग करंट अफेयर्स सुपर मार्क्स चला दो ये कितने लोग चाहते हैं और कितने लोग ये चाहते हैं कि इसको ही मैं एक्सटेंड कर दूं कम से कम दस सुपर मॉक जी ए सुपर मॉक कराऊँ और कितने लोग चाहते हैं कि मैम बैंकिंग सी ए सुपर मॉक अब बैंकिंग सी ए सुपर मॉक चलेंगे उसमें आपके मैं एक काम करूंगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी के जो बैंकिंग करंट अफेयर्स हैं ये मैं आप लोगों के लिए ऐड कर दूँगी ठीक है फिर उसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे हम लोग एक काम करेंगे कि फिर जो सुपर मॉक है है ना सुपर मॉक जो है उनको हम इस टाइप से चलाएंगे कि जैसे बिल्कुल आपका एग्ज़ाम आता है ना अब एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग करंट अफेयर्स ही आते हो है ना बाकी भी तो आते हैं अवार्ड से क्वेश्चन भी आ जाते हैं रिपोर्ट से भी आ जाते हैं तो फिर लास्ट में ना हम जब एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले हम इस टाइप के ना सुपर मॉक्स चलाएंगे एग्जाम सुपर मॉक्स चलाएंगे ठीक है एग्जाम सुपर मॉक्स चलाएंगे उसमें क्या होगा एग्जाम सुपर मॉक्स के अंदर बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न पे ऐसी मॉक टेस्ट टाइप आपके लिए मैं लेके आऊंगी जैसे जीए के मॉक टेस्ट आप लोग कर रहे हो ठीक है मैम टाइम मिले तो सीए और बीए दोनों का टेन सुपर मॉक्स करा दो ठीक है अच्छा जो लोग यहां पर बैंकिंग करंट अफेयर्स के सुपर मॉक्स चाहते हैं कि मैम बैंकिंग करंट अफेयर्स हमारा चार महीने का तो बहुत अच्छे से रटवा दो बिल्कुल कि एक एक न्यूज हमारे टिप्स पे हो जाए क्योंकि सबसे अच्छी चीज है कि अभी टाइम है बाद में रिजल्ट आने के बाद में टाइम नहीं बचता है तो मैं नहीं चाहती कि तुम उन लोगों में से बनो जो भटक रहे हैं कि अब कैसे करें अब कैसे करें ठीक है होता है नहीं होता है क्लियर वो अलग बात है पढ़ना तुम्हारा काम है अभी पढ़ लो दस पंद्रह दिन फालतू पढ़ भी लिए और अगर भगवान ना करें नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है कोई बात नहीं तुमने पढ़ा है ठीक है कुछ नहीं है नहीं हो पाया नहीं हो पाया लेकिन वो तो देखो कि अगर तुम्हारा क्लियर हो जाता है और अभी तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारा कितना लॉस है है ना तो हमेशा एनालाइज करो कि किसी चीज में लॉस ज्यादा है कि प्रॉफिट ज्यादा है है ना अगर तुम्हें लगता है कि ये करने से प्रॉफिट ज्यादा है तो फिर इसको करो अगर लगता है कि नहीं ये पढ़... पढ़ने से मैम प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो फिर मत पढ़ो सॉरी लॉस ज्यादा हो रहा है तो मत पढ़ो ठीक है तो यहां पर मैं बात कर रही थी कि सबसे पहले नंबर पर कौन हरियाणा टोटल कितने मेडल्स 105 मेडल्स 105 मेडल्स दूसरे की बात करती हो सेकंड पे रहा यूपी और यूपी के पास में यहाँ पर टोटल कितने मेडल्स थे 62 मेडल्स लेकिन ज्यादातर ना क्वेश्चन आते हैं कि गोल्ड मेडल्स कितने जीते हैं क्योंकि गोल्ड मेडल्स डिसाइड करते हैं फर्स्ट पोजिशन किसका होगा टोटल मेडल्स डिसाइड नहीं करते हैं तो यहां पर सिक्सटी मेडल्स के साथ में यूपी सेकेंड नंबर पर लेकिन गोल्ड मेडल कितने थे ट्वेंटी गोल्ड मेडल के साथ में यूपी सेकेंड नंबर पर रहा और थर्ड नंबर पर रहा यहाँ पर तमिलनाडु तो मैम नॉर्थ इंडिया के तो दो हो गए एक हो गया यहाँ पर साउथ की तरफ से तमिलनाडु और इसके गोल्ड मेडल कितने ट्वेंटी गोल्ड मेडल्स फ्रॉम तमिलनाडु ठीक है नेक्स्ट ये आपका बिच कंट्री हैज हैजन द अंडर नाइनटीन एशिया कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आफ्टर डिफीट डिफीटिंग दू ए इन दुबई दुबई के अंदर यू ई को हरा के इनमें से कौन से देश ने जीता है अंडर नाइनटीन का एशिया कप ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश बांग्लादेश वॉन अंडर द अंडर नाइनटीन एशिया कप किसको डिफीट करके यू ए को डिफीट करके वो भी वन नाइन्टी फाइव रन के साथ में यहाँ पर और ये हुआ किधर ये भी मैम दुबई यू ए के अंदर हुआ हुआ है यानी कि एशिया कप दुबई के अंदर हुआ और को हरा के पर बांग्लादेश इसको जीत गया। विकेट कीपर बैटर रहमान शिबली एक्स्ट्रा है बट मैं आपसे कहूंगी कि ज्यादातर इस टाइप से क्वेश्चन जो बनते हैं या तो बांग्लादेश का नाम पूछेगा या पूछेगा कौन हारा या फिर ये पूछेगा कि ये कहां पर हुआ अंडर नाइनटीन एशिया कप कहां पर हुआ ये दो तीन चीजें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट ये आपका विच स्टेट हैज़ वॉर्न विजय हजारे ट्रॉफी 2023 ट्वेंटी थ्री एट द सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट वैसे तो ज्यादातर स्टूडेंट जो यहां पर क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट लेते हैं वो इस टाइप की ट्रॉफीज के बारे में उनको पता नहीं होता है यूजली आई या फिर कोई वर्ल्ड कप होते हैं उन्हीं में इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन अगर बात कर ले विजय हजारे ट्रॉफी की तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है ना कि ये कैसी ट्रॉफी है तो यहाँ पर हरियाणा जो है उन्होंने अपना विजय हजारे ट्रॉफी यहाँ पर जीता है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो कि राजकोट गुजरात के अंदर है इन्होंने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है हरियाणा स्टेट ने विद अ थर्टी रन ट्रायम्फ ओवर राजस्थान यानी कि हरियाणा जीता किसको हराया राजस्थान को हराया ठीक है और यहाँ पर इसका टाइटल कौन सा था फर्स्ट टाइटल है पहली बार ये विजय हजारे ट्रॉफी जीते हैं 2023 में और हरियाणा जो है उसने टोटल 287 पर एट बनाए इन 50 ओवर्स जिससे यहां पर इन्होंने राजस्थान को एक अच्छा तगड़ा चैलेंज दिया चैलेंज से याद आया कि यहाँ पर आज का चैलेंज जो है उसको अचीव कराने में अभी भी यहाँ पर ट्वेंटी के अराउंड स्टूडेंट्स बचे हुए हैं फटाफट से बाकी लोगों को बोलो कि यार क्लास अटेंड करो ताकि ये हम जो आज का चैलेंज है कंप्लीट करें तो सबसे पहली

और इस पर तो बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा है और आपको ये जो मिलेगा फाइव नाइन नाइन में मिल जाएगा इसके अलावा ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा है आपका बैंकिंग सुपर इलीट पर भी तो जिस भी स्टूडेंट को बैंकिंग सुपर इलीट लेना है वो सुपर इलीट ले सकते हो जिसको जानना है सुपर इलीट है गए सुपर इलीट होता है जिसमें आपको बैंक इंश्योरेंस इनके सभी एग्ज़ाम्स जो होते हैं है ना अगर मैंने बोल दिया बैंक इसका मतलब आई बी पी एस एस बी आई एवरीथिंग इंश्योरेंस बोल दिया मतलब एल वगैरह एन वगैरह तो इन सभी का कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाता है प्लस आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं लाइव प्रैक्टिस सेशन मिल जाते हैं मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है और अगर मान लो कि आप छह महीने का लेते हो तो इसमें छह महीने एक्स्ट्रा आपको फ्री मिल रहे हैं सिर्फ छह महीने का प्राइस देना है और टोटल बारह महीने यानी कि एक साल तक आपके पास में एक्सेस वी एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज सभी नए नए इस टाइप के बस इंटरव्यू बैचेस इसमें इंटरव्यू कोर्सेज इसके अंदर एडेड नहीं होते हैं उसके अलावा बाकी जो भी बैंक और इंश्योरेंस रिलेटेड होता है सब इंक्लूडेड होता है कोड अप्लाई करो अभी इस पर आई थिंक डबल वैलिडिटी ऑफर शुरू हो चुका है और अगर आपको यह है कि मैम सारे ही सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है तो फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ चल रहा है मेंस का वन मंथ क्रैश कोर्स जो है अब देख लो आपको जीए लेना है फाइव डबल नाइन में मिल जाएगा और अगर, अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स प्लस टेस्ट सीरीज चाहिए तो डबल वन डबल नाइन में मिल जाएगा आफ्टर शीतल कोड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज बीन रिकेग्नाइज एज द बैंक ऑफ द ईयर इंडिया के अंदर बैंक ऑफ द ईयर किसको बताया है फाइनेंशियल टाइम्स विच इज ओन्ड बाय द बैंकर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है मैम आंसर हो जाएगा यहाँ पर फेडरल बैंक फेडरल बैंक जो है नेम द बैंक ऑफ द ईयर इंडिया बाय फाइनेंशियल टाइम्स जिसको ओन कौन करता है द बैंकर तो फेडरल बैंक जो है अभी हमने बहुत सारी चीज़ें फेडरल बैंक से रिलेटेड देखी कि मैम अभी फेडरल बैंक ने एक uh, uh, क्या बोलते हैं स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए इसने अभी यू पी आई लाइट भी शुरू किया है है ना फेडरल uh, बैंक ने यूपीआई लाइट शुरू किया है और इसने ना डेली क्यूमुलेटिव यूसेज यहाँ पर बताया कि एक दिन में अलग अलग टाइम पर जो यूपीआई लाइट के थ्रू आप पेमेंट करते हो तो मैक्सिमम कितने हजार रुपए तक आप खर्च कर सकते हो एक दिन में डिफरेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू तो आंसर क्या होगा इन दैट केस आंसर हो जाएगा चार हजार रुपये एक बार तुम्हारे खाते से चार हजार यूपीआई लाइट के थ्रू तुमने पेमेंट कर दिए है ना पूरे दिन भर में तो चार हजार के बाद फिर नहीं कर पाओगे वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पर ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है आरबीआई ने अभी रिसेंटली बढ़ाया था क्योंकि पहले तो इन्होंने बोला था कि दो सौ रुपए एक ट्रांजेक्शन पर मैक्सिमम सौ रुपए आप यूपीआई लेट के थ्रू पे कर सकते हो है ना लेकिन अभी क्या बोला है कि उसको दो सौ रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया है पांच सौ रुपए कर दिया है फाइव हंड्रेड रुपीज और वॉलेट के अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू थाउजेंड से ज्यादा आपके रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए इसके अलावा जो फेडरल बैंक है उसने फेडी नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया अगर आप लोगों को याद हो फेडी जो है ये क्या है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट है जहां पर कस्टमर सपोर्ट के लिए आप उनसे बात कर सकते हो फेडी के ऊपर फेडी जो है व्हाट्सएप एलेक्सा गूगल मैप्स इन सभी कंपनी के वेबसाइट पर इनको आ,

किधर है स पर कोची केरला के अंदर है और श्याम श्रीनिवासन इसके एमडीएन सी ओ हैं नेक्स्ट आपका इन डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्केप द पॉलिसी पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज एट सिक्स फाइव आपसे पूछ रहा है कि लगातार कितनी बार इसको अनचेंज रखा गया है मैम असम से एटी फोर अटेम पढ़ू क्या और स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया भी थोड़ा दे दीजिए ए बी यस आपको uh, मींस की तैयारी करनी चाहिए ठीक है बाकी असम की तरफ से मैंने बनाया तो है एक स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डेटा uh, बनाया है तो देखती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ फिर दोबारा से वैसे मुझे लगता है कि एट्टी फोर अबव है तो आपका हो जाएगा अगर एक्यूरेसी आपका नाइन्टी फाइव नाइन्टी एट परसेंट का एक्यूरेसी है तो हो जाएगा आपका क्लियर ठीक है मीन्स के लिए यू शुड प्रिपेयर करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ टाइम लगातार पांचवी बार इसको क्या किया है अनचेंज रखा है लास्ट टाइम चेंज कब किया था फेब्ररी 2023 के अंदर चेंज किया था अब मैं तुम लोगों को पढ़ाती रहती हूँ तुम लोगों को पता है अब मैंने ना मॉक इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछी ये चीज़ कि लास्ट टाइम कब बढ़ा था स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं था कि मैम नहीं याद कब पढ़ा कब बढ़ा था लास्ट टाइम मैंने बोला कितनी बार यू uh, नो you know, इसको अनचेंज रखा गया है उन्होंने बोला दो तीन क्वार्टर से अनचेंज रखा गया है ना आप वो सरप्राइज टू नो क्योंकि यूजुअली आप लोगों को तो पता ही है मैं ऑलरेडी क्लासेस में कराती हूँ यहाँ पर है ना तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने उसके बाद में पढ़ना ही छोड़ देते हैं जैसे मेन्स क्लियर हुआ रिजल्ट आया पढ़ना छोड़ दिया है ना तो वो टच में नहीं रह पाते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि चाहे आपका मेन्स हो आगे चाहे आपका इंटरव्यू हो आगे पढ़ाई नहीं छोड़नी है एटलीस्ट जी ए आपको छोड़ना नहीं है डेली बेसिस पर एक रिचुअल बना लो कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है इर ऑफ़ द रिजल्ट इस्पेक्टिव ऑफ़ एनीथिंग एल्स एक घंटा मैं दिन में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ और फिर भी आपके पास में ये अवेलेबिलिटी है कि अगर आप यहाँ पर नहीं अवेलेबल हो लाइव क्लास में तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो वही एक घंटे की क्लास आप थर्टी मिनट्स में रैपअप कर सकते हो सो so, टच में रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट एम एस एफ कितना रखा गया एम एस एफ और बैंक रेट मैम दोनों ही यहाँ पर सिक्स पॉइंट सेवन फाइव एक इकलौता चेंज हमने देखा इसके अंदर कि आर बी आई गवर्नर ने यह बोला कि रियल जी डी पी ग्रोथ जो है वो सिक्स पॉइंट फाइव से बढ़ाकर सेवन परसेंट कर रहे हैं अब देखो क्योंकि आर बी आई को ना अगले एक साल के अंदर क्या रहने वाला है वो प्रोडिक्शन देना होता है तो रियल जी डी पी ग्रोथ जो है इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया कि देखो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर का जो सॉरी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव का जो क्वार्टर वन है जो एक अप्रैल दो हजार चौबीस से लेके जून दो हजार चौबीस तक के बीच में अप्रैल से जून दो हजार चौबीस उसमें इन्होंने बोला कि रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है फिर क्वार्टर टू जो आता है जुलाई 2024 से जो सितंबर 2024 के ये तीन महीने हैं इनके अंदर ये लगभग रहेगा 6.5 परसेंट और जो क्वार्टर थ्री है जो आपका अक्टूबर 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक रहेगा वो 6.4 परसेंट रहेगा क्योंकि आरबीआई ने दिसंबर 2023 में ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट लाई थी इसलिए उन्होंने पूरा दिसंबर 2024 तक का यहाँ पर बता दिया कि हर तीन महीने का ग्रोथ रेट कितना रहेगा इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल है शर्मा इस टेलीग्राम पर आपको से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वन लाख से बढ़ा के पांच लाख रुपए कर दिया गया और ये एमपीसी का जो डिसीजन है छह में से पांच मेंबर्स की मेजोरिटी के साथ में यहां पर इसको लिया गया है प्लस आपको बता होगा ई मैंडेट्स ई मैं

ओके अनिल मैं देखती हूं मैं अभी कुछ समय से मैं लैपटॉप पे थी ही नहीं तो मैं इसमें आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती थी हाँ बिल्कुल मेज की तैयारी करो नहीं भी हुआ तो नुकसान क्या होगा कुछ भी नहीं होगा है ना तैयारी ही होगी मेज की नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लॉस नहीं हुआ ना जब आपको किसी चीज के करने पे मुनाफा के चांसेस ज़्यादा हैं लॉस के चांसेस कम हैं तो आपको तो उस चीज़ को करना चाहिए या दूसरा सीन है कि प्रॉफिट पता नहीं होगा कि नहीं होगा लेकिन मैम लॉस बहुत हो जाएगा अगर उसके अंदर प्रोबेबिलिटी लॉस की बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट भले ही हो ना हो ज़्यादा लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको करना चाहिए कि नहीं बिल्कुल करना चाहिए है ना कि अगर ये नहीं किया और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने अभी नहीं पढ़ा तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा और वो लॉस कहीं ज़्यादा होगा उस लॉस से जो मैंने पढ़ा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वो लॉस कोई बड़ा लॉस थोड़ी है ठीक है नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आगे चल के हेल्प करेगा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर थर्टी टू हो जाएगा ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था आई थिंक आर बी आई असिस्टेंट मेन्स के अंदर पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि आपका कौन सी ऐसी महिला है जो इसमें फीचर नहीं हुई अब आपको पता है कि फोर फीमेल्स वीचर्ड इन अंडर दिस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एस सी एल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन एस सी एल कंपनी की जो चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा सेल की पहली जो चेयरपर्सन सोमा मोंडल रही वो और बायोकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ तो इन चारों इंडियन को इस बार फीचर किया गया टॉप हंड्रेड इस टाइप का फॉर्ब्स कंपनी ने एक एनुअल लिस्ट निकाला था वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री निर्मला सीतारमन लगातार पांचवी बार पांचवे साल इसमें फीचर हुई हैं दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट ये पांच सालों से टॉप हंड्रेड फीमेल पावरफुल फीमेल्स के अंदर आ रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर और इस बार तो सबसे अच्छा बड़ा ही प्यारा रैंकिंग है मैम इनका थर्टी टू रैंकिंग है लास्ट ईयर की बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर इनको रैंकिंग थर्टी सिक्स मिला था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में थर्टी सेवन था 2020 के अंदर तो मैम 41 था 2019 में 34 था अब तक सबसे अच्छा गया इनका 32 अगर बात करूं मैं यहां पर रोशनी मल्होत्रा एच वाली उनका सिक्सटी पोजीशन था सोमा मोंडल सेल वाली उनका सेवेंटी पोजीशन था इनका 60 रोशनी का और मोंडल जी का 70 और जो किरण मजुमदार शाह बायोकोन वाली उनका सेवेंटी सिक्स तो स्पॉट यहाँ पर रहा और लास्ट ईयर इनके क्या क्या थे ये साठ वाली जो रोशनी है ये फिफ्टी थर्ड पर थी मॉन्डल जो सेवेंटी एथ पे है ये सिक्सटी सेवन्थ पे थी और जो मजुमदार शाह जो हैं ये सेवेंटी सिक्स की जगह सेवेंटी टू नंबर पर थी अब अब बात आती है कि टॉप किसने किया फर्स्ट नंबर पे थी उर्सुला वॉन देर लैगन जो कि यूरोपियन कमीशन की क्या है प्रेसिडेंट है नंबर वन पोजीशन पर वो और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट पहले नंबर पर तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट दूसरे नंबर पर यानी कि पहले और दूसरे नंबर पर यूरोपियन वाली ही है यूरोपियन कमीशन की प्रेजिडेंट दूसरे नंबर पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेजिडेंट पहले नंबर पर जो यूरोपियन कमीशन की प्रेजिडेंट है उनका नाम क्या है उर्सुला है ना उर्सुला वॉन जीत गई तो वॉन नाम है उनके अंदर तो नाम में ही जिसके वॉन है तो उसका जीतना तो बनता है मैम और दूसरी कौन है यहाँ पर क्रिस्टीने लगाडे है ना तो क्रिस्टीने लगाडे जो है उन्होंने यहाँ पर ऐसा जुगाड़ लगा दिया है ना लगा दे से ऐसा जुगाड़ लगा दे कि क्रिस्टीन दूसरे नंबर पर आ जाए तो आ गई यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो है थर्ड नंबर पर और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी जो आजकल हमें सबसे ज्यादा प्रिय है है ना काफी लोगों ने तुमने देखा होगा भरा हुआ है इतना यू you नो know, और किसी का जिक्र नहीं होगा जितना जॉर्जिया मेलोनी का होगा तो फोर्थ नंबर पर जॉर्जिया मेलनी ठीक है, फिफ्थ नंबर पर टेलर स्विफ्ट म्यूजिशियन जो है टेलर स्विफ्ट वो फिफ्थ नंबर पर यहां पे थी ठीक है तो ये टॉप फाइव यहां पर कैटेगरीज है नेक्स्ट है आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल अक्वायर ट्वेंटी परसेंट स्टेक इन एसबीआई पेंशन फंड फॉर हाउ मच रुपीज क्या होगा करेक्ट आंसर इधर रंजीत ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको इससे पहले ये वाला कराया रोशनी नादर वाला ये आरबीआई असिस्टेंट मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है चांसेस सभी में रहते हैं आने के ठीक है उसमें आपसे ये पूछा था कौन कौन इंडियंस फीचर हुई हैं हो सकता है एसबीआई क्लर्क के अंदर ये आ जाए कि टॉप किसने किया है सो so, दोनों ही तरीके से आपका इंपॉर्टेंट होता है सो एस बी टू एक बार ट्वेंटी परसेंट स्टेक इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने इस बार हम देख रहे हैं लगातार एस बी आई पी के अंदर भी हमने देखा और एस बी आई क्लर्क मीन्स के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे एक्वाजिशन मर्जर्स वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं लास्ट ईयर भी पूछे गए थे इस ईयर भी आ सकते हैं तो याद रखना है एस ने ट्वेंटी स्टेक खरीदने की बात की है बीस परसेंट स्टेक जो है वो खरीदना चाहता है एस पेंशन फंड्स में जिसमें ऑलरेडी यहाँ पर इसके क्या है Uh, कुछ परसेंटेज इधर है तो ये कह रहा है कि ट्वेंटी परसेंट के लिए खरीदेगा अब खरीदेगा एसबीआई कैप्स का पूरा नाम है एस कैपिटल मार्केट लिमिटेड उसके एसबीआई पेंशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ट्वेंटी परसेंट स्टेक है तो एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एस जो है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि बैंक चाहे तो ट्वेंटी

इसमें भी लगा हुआ है तो एस की सब्सिडरी क्यों है एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर है किसके बीच में एक तो एस बैंक उसके पास में है, इसके मेजोरिटी स्टेक्स परसेंट और एक और कंपनी है अमूंदी नाम की अमूंदी के पास कितने थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन थ्री परसेंट है तो इन दोनों कंपनीज का ये जॉइंट वेंचर है और इसके पास में है ट्वेंटी परसेंट बचे हुए स्टेक्स आफ्टर द एक्विशन के बाद में भी बीस परसेंट फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के पास में है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हु एज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इनमें से किसको बनाया गया यहाँ पर चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस तो आंसर क्या होगा अब थोड़ा सा मैं स्पीडअप करना चाहूंगी यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बार मैं ये चीज़ें करा चुकी हूँ थोड़ा सा स्पीडअप करना चाहिए हमको करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट्स राजीव आनंद एज चेयरमैन लेकिन मुझे बहुत दुख होगा गाइज आज आ, मतलब मैं चाह के भी कोशिश करने के बाद भी आज हम हंड्रेड प्लस लाइफ कम अचीव तो नहीं कर पाए हैं मैक्सिमम एटी तक गया है बट आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा जा पाया है और पूरे इस हमारे सुपर मॉक के सीरीज के अंदर टोटल फाइव पार्ट हुए हैं ये फिफ्थ पार्ट है आज का चारों पार्ट में हमारा हंड्रेड अबव गया है पहला ऐसा पार्ट होगा जिसमें हम ये चैलेंज लूज किया होगा ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया होगा सो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अब मटेरियल सब्सिडी ऑफ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज हैज अ न्यू चेयरमैन कॉल्ड राजीव आनंद को बनाया गया है ना तो वो कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी लाइफ मैक्स कब कर सकते हैं जब जीवन में आनंद ही आनंद हो तो राजीव आनंद फॉर मैक्सिमम लाइफ ठीक है और अनलजीत सिंह जो है वो यहाँ पर चेयरमैनशिप और मेंबरशिप जो है उससे अभी यहाँ पर हट गए थे जिसके बाद में इनका अपॉइंटमेंट हुआ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं दैट इज जितेश जॉन जितेश जॉन जो है वो क्या बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर बने हैं तो अब देखो एक बात बताओ जॉन इब्राहम जो है वो इंसॉलमेंट हो सकता है नहीं मैम बहुत पैसा कमा रखा है तो जितेश जॉन जो है उनको फिर जॉन नाम से ही इंसॉलमेंसी एंड बैंकग्राफसी बोर्ड ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब एम के बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि कौन है जो टोन से ही दूर से पहचान में आ सकता है कि ये एस का है लंच के बाद आना काउंटर नंबर चार पर जाओ तो ये टोन से कौन लगा यहाँ पर विनय एम टोन से उनको 2025 तक दो साल के लिए क्या किया गया है एमडी अपॉइंट किया गया है ऑफ एसबीआई नेक्स्ट है आपका डायरेक्टर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब इकलौती ईशा अंबानी ने ईशा अंबानी की जगह अंशुमन और हितेश जो है उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डायरेक्टर बनाया गया है याद रखना जियो की फाइनेंशियल सर्विसेज जो क्या है एक जियो कंपनी की रिलायंस कंपनी की एक, एक एन बी एफ सी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उसके डायरेक्टर ईशा अंबानी अंशुमन ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया है एम डी एन सी ईओ ऑ ऑफ कोटिक महिंद्रा बैंक कोटिक महिंद्रा बैंक के जो एम डी एन सी ईओ है वो कौन बने हैं अशोक वासवानी बने हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोटिक महिंद्रा बैंक के अशोक वाशवानी जो बने हैं ये किसकी जगह पर आए हैं दीपक गुप्ता की जगह पर आए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जैन 2024 और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र रोहित ऋषि किसको रिप्लेस करके आशीष पांडे को रिप्लेस करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैम ये वही बैंक है जिस जो एनपीए मैनेजमेंट में सबसे सभी से, से ज्यादा आगे है टॉप कर रहा है एनपीए मैनेजमेंट इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा डिपॉजिट ग्रोथ इसका है मोर देन ट्वेंटी फोर परसेंट का ग्रोथ रेट है ठीक है डिपॉजिट ग्रोथ रेट और लोन एंड एडवांस में भी इसका ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव परसेंट का ग्रोथ रेट है जो कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा है इतना ग्रोथ रेट जो है वो किसी का भी यहाँ पर नहीं है फिर अगर बात करूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो एम डी एन सी ओ कौन है रोहित ऋषि तो बने हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्होंने बोला महाराष्ट्र के अंदर डायरेक्टर को किसको बनाए कह रहे वही जो बंदा साफ सच्चा हो ऋषि जैसा हो तो उन्होंने रोहित ऋषि को अपॉइंट कर दिया लेकिन जब बात आती है एम एंड सीईओ की तो वो कौन है ए एस राजीव है ठीक है ये कह रहे हैं कि ये राज करने में हेल्प कौन करेंगे राजीव हेल्प करेंगे तो ए एस राजीव है यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इन आई सी आई सी आई बैंक कौन बनाए गए हैं अब आई सी आई सी आई बैंक वाले जो हैं इनको बड़ा लगाव है संदीप नाम के लोगों से क्योंकि संदीप बख्शी को तो एम डी एन सी ई फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया फॉर अनदर थ्री ईयर्स तीन सालों के लिए वापस से दोबारा से नियुक्त तो होते हैं संदीप बख्शी एज एम डी एन सी ओ ऑफ आईसीआई बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात आई तो उन्होंने कहा कि देखो हमारा विश्वास जो है संदीप नाम के लोगों पे बहुत है तो संदीप बत्रा जो है उनको क्या बना दिया इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया क्लियर है सबको हाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अभी कौन बने हैं प्रमोद अग्रवाल एस बी आई क्लर्क जीएस कोर बूस्टर बैचर गाइज फाइव डबल नाइन रुपीज में आपको मिल जाएगा ऑलीवुड ऐप पर आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा बाय अप्लाइंग शीतल कोड एंड इसके अलावा एस बी आई क्लर्क मेज का वन मंथ क्रैश कोर है क्रैश कोर्स है फोर्टी फाइव परसेंट का ऑफ है बाय अप्लाइंग शीतल कोड इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे इंग्लिश क्वाड रीजनिंग जी ए एग्जैक्टली सेम ठीक है एंड टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेगी विद सॉल्यूशन एंड नहीं आया ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बाय विच ईयर डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू इंक्रीज द न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी फ्रॉम सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी मेगा वॉट टू ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी मेगा वॉट अब आंसर करो यहाँ पर क्या होगा वेरी नाइस nice. अच्छा बीएससी के हमने देखा कि नए चेयरमैन कौन बने हैं दैट इज़ प्रमोद अग्रवाल लेकिन किसको रिप्लेस करके आए हैं एस एस मुंद्रा को रिप्लेस करके आए और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो नए चेयरमैन हैं एन ए आर सी एल के वो कौन है उनका नाम क्या है बता सकता है कोई मुझे यहाँ पर फटाफट से कॉमेंट बॉक्स के अंदर कौन ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पर जो आंसर करना चाहेगा एन ए आर सी एल जो है उसके यहाँ पर नए चेयरपर्सन कौन बने हैं चेयरमैन कौन बने हैं तो आंसर क्या होगा अब आपको दो चीजें याद रखनी है एन के लिए और आई के लिए दो बंदों को यहाँ पर क्या किया गया है रखा गया है तो देखो जो आपके यहाँ पर नारायण शेषादरी हैं वो चेयरमैन का रोल संभालेंगे किसके लिए आई डी आर इंडिया डेट रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इनका नाम क्या है नारायण शेषादरी नारायण शेषादरी अब शेषादरी जी क्या कहते हैं कहते हैं कि शीश हमारा काफी ऊपर उठेगा अगर यहां पर डेट रिजोल्व करने में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम अपना शीश उठा के चल सकते ना कि झुका के, है ना? और दूसरे जो दिवाकर गुप्ता है दिवाकर गुप्ता कह रहे हैं कि दिवाकर याद रखना है ना या क्या दिवाकर यहां पर रिकवरी दिवाकर रहूंगा एन कहता है रिकवरी दिवाकर रहूंगा तो दिवाकर गुप्ता चेयरपर्सन ऑफ एन ठीक है बोला गया कि दिवाकर गुप्ता का रेजिग्नेशन जो आया है वो इसलिए आया है कि ये टेक ओवर करने वाले हैं एज अ चेयरमैन ऑफ एन आर सी एल तो इनकी जगह पर नारायण शेषाद्री किसकी जगह लेंगे आई डी आर सी एल के यहाँ पर चेयरपर्सन की जगह लेंगे दिवाकर गुप्ता पहले चेयरपर्सन किसके रहे हैं यहाँ पर आई आईडीआरसीएल के चेयरपर्सन रहे हैं ठीक है तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किया गया है बिकॉज ये सोचते हुए कि एन के कौन बनेंगे दिवाकर गुप्ता बनेंगे अब बात आ रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी जो बढ़ाना चाहती है सात हजार मेगा से बढ़ाकर बाईस हजार चार सौ अस्सी मेगा करना चाहती है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अभी कुछ एक स्टेप्स इसके रिगार्डिंग लेने शुरू कर दिए हैं कि सेवन फोर हंड्रेड एटी मेगावाट इतनी बिजली का अभी ये प्रोडक्शन करते हैं न्यूक्लियर पावर के थ्रू इतनी बिजली का उत्पादन करते हैं सात हजार चार सौ अस्सी मेगावाट लेकिन ये कह रहे हैं कि हमको तो भैया इसको बाईस हजार से ज़्यादा ले जाना है कब तक ट्वेंटी थर्टी वन से थर्टी टू तक यानी कि थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थर्टी टू तक इनको बाईस हजार चार सौ अस्सी मेगावाट इसको करना है यानी कि पंद्रह हजार मेगावाट इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं कब से कब तक दो हजार तेईस से लेके 2032 तक जैसे 2023 को यहां पर इन्होंने बोला कि अभी कितना चल रहा है 7480 चल रहा है और इसको उल्टा कर दो तीन आगे कर दो दो पीछे कर दो यानी कि 2032 बन गया इसमें हजार मेगावाट ऐड करके इसको करना है 28000 uh, 22480 मेगावाट समझ गए सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा हैज इनऑग्रेटेड द 3 डे इंटरनेशनल संघ फोरम ट्वेंटी ट्वेंटी पर क्या होगा इनमें से कौन से शहर के अंदर तीन दिन का इंटरनेशनल संग फॉरम यहाँ पर इन्होंने इनोग्रेट किया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोध गया ठीक है बोध गया बिहार के अंदर नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेटअप अ टास्क फोर्स टू स्टडी द रिकमेंडेशन मेड बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप डेवलपमेंट ये अभी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी वाला हम बात कर रहे थे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और अभी आपको पता होगा कि सबसे बड़ा भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है कुंदन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज बेस्ड इन तमिलनाडु और आपको पता होगा कि उसके यूनिट फाइव एंड सिक्स जो है वो इंडिया रशिया के साथ में मिलकर ज्वाइंट पार्टनरशिप में यहाँ पर क्या कर रहा है बना रहा है ठीक है तो ये दो तीन चीजें आपको याद रहेंगी रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट अब एम की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने कहा अभी आपको पता होगा कि जी के टाइम पर एक रिपोर्ट आया था है ना रिपोर्ट निकालने वाले कौन थे रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग थी स्ट्रेंदनिंग ऑफ मल्टी लेटरल बैंक्स के रिगार्डिंग थी है ना कि कैसे हम यहां पर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को एम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं तो इन्होंने बोला कि अगर एम चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अच्छे से अचीव कर ले तो इनको बाय ट्वेंटी कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा तो बोला, $3 बड़े ठीक है इतने दिन बाद मिले मैम आप दो ही दिन हुए लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया बिल्कुल श्रेयाब मुझे खुद सेम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने साल से मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द थिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ में बात करके आप लोगों का इस साथ में इंटरेक्ट करके तो और मैंने एक चीज़ और देखी है जब मैं ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगती हूँ तो अपने आप ना स्टूडेंट कम होने लग जाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्विज़ खेली जाए मतलब क्विज़ करा दो मैम दैट्स इट अच्छा मैं ऐसा भी एक सेशन आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊंगी ठीक है आई प्रोमिस यू गाइज ऑन दैट तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई अभी इधर की जी जो है ठीक है उसके अंदर एक का रिपोर्ट निकाला था जिसमें ये सब मैंशन किया गया कि तीन तीन ट्रिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट इनके पार्ट पे चाहिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के पार्ट पे अब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कौन हो गया जैसे ए हो गया है ना एन हो गया ए हो गया ये सारे आपके मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हैं तो जी ट्वेंटी के अंदर एक तो हमारे फाइनेंस कमीशन फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन एनके सिंह और दूसरे भी थे एक उनका नाम क्या था बताओ जरा बताओ जरा फटाफट फड़ से सभी लोग आंसर करो यस yes, यस yes, बहुत अच्छे एक चीज और यहाँ पर ले देख लेना आप लोग कि स्मिता सारंगी जो है ठीक है आई एस हैं ये इनको अभी अपॉइंट किया गया है एज एडवाइजर टू ई डी ऑफ ए डी बी ठीक है ई डी क्या होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है तो मुझे फिर ये भी बता दो आप लोग हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ए डी बी अभी रिसेंटली बनाए गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ए डी बी किन को बनाया गया है आंसर क्या होगा मैम विकासशील इन्होंने बोला कि देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है अब ये बहुत सारे स्पेशली इंडिया में ही देखो आप लोग कि कितने लोगों को ये लोन देता है तो उन्होंने बोला कि विकास करवाना चाहते हैं तभी तो हमारा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है डेवलपमेंट मतलब विकास तो इन्होंने बोला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बनाए जिसके नाम में ही विकासशील है ठीक है तो विकास शील को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया और स्मिता सारंगी जो है है ना तो वो बोल रहे हैं कि स्मिता सारंगी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यहाँ पर एडवाइस करेंगी सलाह देंगी हर रंग पर है ना हर रंग पर कि किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट किसी भी रंग में किसी भी रूप में जो भी डेवलपमेंट चाहिए स्मिता सारंगी एडवाइस देंगी विकासशील को जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एडीबी के और वर्ल्ड बैंक ने यहां पर एक टास्क फोर्स सेटअप किया है रिकमेंडेशन जो दी गई थी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप फॉर स्ट्रेंदिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जिसको यहाँ पर एन के सिंह और इनके साथ में जो यहाँ पर लॉरेंस समर्स थे उन्होंने मिलकर इसको लॉरेंस समर्स और एन के सिंह ने मिलकर इसको बनाया था ठीक है याद रहेगा सभी को इधर

फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर एंड फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव नाउ दिस इज योर होमवर्क गाइज जिसका आंसर करना है आपको आफ्टर द क्लास कॉमेंट बॉक्स के अंदर कम से कम दस बीस तीस बच्चों का कम से कम बीस से तीस बच्चों का होमवर्क जरूर आना चाहिए होमवर्क में मुझे जरूर आप लोग यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन के अंदर क्लास खत्म होने के बाद ज़रूर ये बताएं कि आपको बैंकिंग सी ए सुपोमॉक्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँ आपके या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँ ये मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल जो है ये मेरा टेलीग्राम चाहिए

के बाद में यहां पर हंड्रेड तक अचीव नहीं कर पाए बट कोई बात नहीं next class के अंदर, यानी कि आपकी जो भी next class होगी, उसके अंदर हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे अब से कोई गैप नहीं होगा क्लासेस के अंदर डेली बेसिस पर आप लोगों की क्लासेस चलेंगी ट्वेल्व पी पर ऑलीवुड वाई चैनल पर और आपको टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर कर दूंगी कि जहां पर भी जब भी मेरी कोई भी